ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देव बात होती है अभी? क्या बोल रहा हूँ, मिलने का बोला? अरे तो बोले सही, बस अब हमारे तो थोड़े वीडियो तो चाहिए साथ ही इनका। सर ये बताइए कि लुटेरी दुल्हन को उज्जैन से जो है भवनाथा पुलिस गिरफ्तार करके लाई, क्या हिस्ट्री है इसकी, पूरा विस्तार से बताइए। ये देखिए, ये महिला जो है ये बार बार युवकों को शादी का झांसा देकर उनसे रुपए ऐंठ लेती थी और बाद में उनके खिलाफ रिपोर्ट करने की धमकियां देती थी। तो इसमें हमारे यहाँ रवि कलोता है खुनपीर पिपलिया के, उन्होंने जनवरी में अपराध पंजीबद्ध कराया था। उनसे भी इन्होंने शादी का कहकर 2 लाख रुपये इनने और इनके साथियों ने ऐंठ लिए थे और फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद ये रात में भाग गई थी। इस घटना के संबंध में थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर धारा 420-434 के अंतर्गत विवेचना की गई और आरोप प्रमाणित पाए जाने पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। यह तभी से लगातार फरार चल रही थी और इसके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसको आज मुखबिर की सूचना पर कि उज्जैन में है, उज्जैन टीम रवाना की थी जिसमें उप निरीक्षक अख्तर पठान, प्रधान आरक्षक राजेंद्र शर्मा, आरक्षक भूपेंद्र और एवं अन्य लोग रवाना हुए थे। उन्होंने वहां से इसको गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर अन्य पूर्व के भी कई अपराध और एवं आवेदन है, जो चूंकि यह ऐसा करते रहता था कि जिसकी वजह से लोग बदनामी के डर से शिकायतें नहीं करते थे, किंतु अब मुझे आशा है कि जब यह समाचार सभी लोगों में पहुंचेगा तो वो अन्य लोग भी इसमें प्रकाश में आएंगे और कई जगह इसने इस तरह की वारदात की। सर अभी कितने मामले जो है इसके अब क्या संज्ञान में है? 2 अपराध हैं अभी इसके। सर कुछ पीआरवीआर लिया जाएगा इसका? अब जो पैसा इसने लिया था वो पैसा तो इससे पूछताछ में खर्च होना बता रही है, इसलिए पीआर शायद ना मिले, हम प्रयास करेंगे। तो और मामले इसके सामने आ सकते हैं अभी पूछताछ में? हाँ, पूछताछ में इसका पूरा हम अन्य मामलों की भी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि अन्य जो भी पुराने मामले हैं उनमें भी इसमें कार्रवाई है। ठीक, थैंक यू सर।